नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। गुजरात के भरूच में रसायन फैक्ट्री की भट्टी में बुधवार को विस्फोट हो गई, जिसके बाद भीषण आग लग जाने से 5 लोगों की मौत हो गई तथा 57 लोग घायल हो गए। घायलों को भरूच के अस्पतालों में भर्ती कराया गया तथा आसपास के 4800 लोगों को बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भरूच के जिला अधिकारी MD मोदिया ने कहा कि कृषि रसायन कंपनी की भट्टी में दोपहर को यह विस्फोट हुई, जिसमें 5 लोगों की जान गई और 57 अन्य लोग घायल हो गए हैं। MD मोदिया ने बताया कि घटना की जांच कराई जाएगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और एक दो बार हल्की बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि 6 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 7-8 जून को आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 4 जून को राज्य के कई स्थानों में गरज के साथ वज्रपात तथा बारिश होने की संभावना है। पारा शिक्षक स्थायीकरण को लेकर 9 जून को बैठक। राज्य के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के लिए नियमावली को लेकर 9 जून को बैठक होगी। इस बैठक में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे। इस बैठक में पारा शिक्षक द्वारा दिए गए सुझाव को सम्मिलित किया जाएगा और आपत्ति पर विचार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पारा शिक्षकों के नियमावली पर कुल 3700 आपत्ति दर्ज कराई गई थी। झारखंड में आए 53 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सरायकेला से 13, जमशेदपुर से 12, सिमडेगा से 8, पलामू से 6, रामगढ़ से 5, लातेहार से 3, बोकारो से 1, रांची से 1, गुमला से 1, कोडरमा से 1, हजारीबाग से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 726 से बढ़कर 779 हो गई, जबकि 321 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 216,824 है, जबकि 106,654 लोग स्वस्थ हुए और 6,088 की मृत्यु हो गई। झारखंड में एक्टिव केस कहाँ कितना। रांची 24, बोकारो 8, हजारीबाग 41, धनबाद 60, गिरिडीह 9, सिमडेगा 22, कोडरमा 16, गढ़वा 14, पलामू 9, पूर्वी सिंहभूम 126, लातेहार 6, लोहरदगा 4, रामगढ़ 44, पश्चिमी सिंहभूम 14, गुमला 23, सरायकेला 14, पाकुड़ 5, खूंटी 5, साहिबगंज 3, दुमका 2 है। जेल कैदियों से मुलाकातें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। लॉकडाउन के कारण जेल में बंद कैदियों से मुलाकातें बंद है, जिस कारण से कैदियों के साथ उनके परिजन भी काफ़ी परेशान है। इसी को लेकर जल्द ही राज्य भर में सिविल कोर्ट में ई सेवा केंद्र के तहत मुलाकातें की व्यवस्था की जाएगी। ई सेवा केंद्र में मुलाकातें की अपॉइंटमेंट बुकिंग करना होगा, जिसके तहत परिजनों को समय दिया जाएगा, जिसके बाद मुलाकातें कर सकेंगे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जारी गाइडलाइन पर ई सेवा केंद्र खोला जा रहा है। बिना अनुमति मजदूर नहीं जाएंगे दूसरे राज्य, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में मजदूर बिना राज्य सरकार के अनुमति के दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक मजदूरों की मैपिंग कर रही है, ताकि उनके क्षमता के अनुसार उन्हें झारखंड में ही रोजगार दिया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल 5 लाख मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार मुहैया कराई जा रही है, जिसे बढ़ाकर प्रतिदिन 10 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा व चप्पल दुकानें खोलने की मांग, सड़क पर उतरे व्यवसायी। लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक 1.0 में झारखंड में कपड़ा व्यवसायियों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिली है, जिसे लेकर कपड़ा व्यवसायी परेशान हैं। झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के पदाधिकारी ने झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि यदि भीड़ अधिक होने की संभावना है तो कपड़े की दुकानों को ऑड इवन की पहल की जा सकती है। इधर देवघर और दुमका सहित धनबाद में कपड़ा व्यवसायी सड़क पर उतर गए और दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। मैट्रिक की छात्रा ने लिखी, पढ़ाई नहीं होती, फेल किया तो श्राप लगेगा। मैट्रिक इंटर की कॉपी का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में कई छात्र छात्राएं ने नंबर ज़्यादा देने को लेकर कई तरह की बातें कॉपी में लिखा है। एक छात्रा ने अपनी कॉपी में लिखा है कि सर मुझे 70 नंबर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो वहीं एक छात्रा लिखती है कि सर कम नंबर देने से मैं फेल हो जाऊंगी, स्कूल में शिक्षक हैं नहीं, इस कारण पढ़ाई नहीं होती, मैं फेल कर गई तो आपको श्राप लगेगा, प्लीज़ सर आप ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की स्थिति समझें, जिसकी जानकारी शिक्षकों ने जैक को दिया। स्कूलों में बिना अनुमति बना क्वारंटाइन सेंटर पर जांच का निर्देश। झारखंड के कई स्कूलों में बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब शिक्षक गैर शैक्षणिक काम के लिए स्कूल पहुंचे।
शिक्षक जब स्कूल पहुंचे तो देखा कि ताला तोड़कर लोगों को ठहराया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित स्कूलों से बिना अनुमति वाले क्वारंटाइन सेंटर हटाने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार 2260 स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की अनुमति दी है। राज्य में 20,000 शिक्षकों की बहाली जल्द, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक सभागार में 9वीं के नतीजे जारी करने के बाद कहा कि शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल में लगभग 8500 और प्लस टू स्कूल में 1400 शिक्षकों की बहाली हुई है। इसके बावजूद विभिन्न विद्यालयों में करीब 20,000 से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसके लिए अच्छे व योग्य शिक्षक की नियुक्ति होगी। 329 वर्ष में पहली बार रांची के ध्रुवा रथ यात्रा पर संशय। झारखंड की राजधानी रांची के ध्रुवा में लगने वाले 329 साल पुराने ऐतिहासिक मेला और रथ यात्रा पर संशय लग रहा है। जगन्नाथ में रथ यात्रा सन 1691 से ध्रुवा के जगन्नाथ मंदिर परिसर से निकलती है। इस दौरान भव्य मेला भी लगता है, परंतु संक्रमण की वजह से मेला और रथ यात्रा के आयोजक को लेकर संशय की स्थिति है। पलामू प्रमंडल में टीडीओ को लेकर अलर्ट। झारखंड के पलामू प्रमंडल में तबाही मचाने आ रही एक बार में 200 अंडे देने वाली टीडीओ को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के जिलों में टीडीओ के हमले की आशंका है। हम आपको बता दें कि टीडिया 12 घंटा के बाद एक बार भोजन करती है तथा एक उड़ान में करीब 150 किलोमीटर तक दूरी तय कर लेती है। अधिकारियों ने बताया कि खाना खाने के बाद टीडिया खाली मैदान में बैठती है, जिसे जुताई कर देनी चाहिए, नहीं तो लाखों बच्चे तैयार हो सकते हैं। लोहरदगा में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के लापरवाही से संक्रमण पॉजिटिव व्यक्ति को स्वस्थ बताकर घर भेज दिया गया था। उस व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसे भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि महाराष्ट्र से लोहरदगा लौटा प्रवासी मजदूर का सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उसे भेज दिया गया था। वित्त मंत्री तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार की ओर से आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और लौट रहे को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह की गति भी धीमी हो गई है। लघु व सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, सभी को रोजगार की व्यवस्था कराएगी। सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की मांग। लॉकडाउन 5.0 में दुकान व बाजार खोलने के बाद सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों के बेचैनी बढ़ गई है। लंबे समय से दुकान बंद होने के कारण परेशान है और उन्होंने अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन से की। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि ज़्यादा खतरा दूसरे राज्यों में है, लेकिन वहाँ सैलून और ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, जो कि राज्य सरकार उन्हें सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर FIR। झारखंड में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व IPC की धारा 269, 270 और 118 के तहत FIR दर्ज करेगी, जिसकी जानकारी DGP MB राव के आदेश पर सभी जिला SP को पत्र भेजा गया है। 14 नक्सलियों को पैसा देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में से 3 को 4-4 लाख, 9 को 2-2 लाख तथा 2 उग्रवादी को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। ए उग्रवादी में से 11 भाकपा माओवादी, 2 PLFI तथा 1 TPC के सदस्य हैं। गढ़वा में अंधविश्वास, महिलाओं ने की आधार कार्ड की पूजा। गढ़वा के मेराल थाना अंतर्गत हसनदाग गांव के यूरिया नदी में महिलाओं द्वारा थाली में फल फूल के साथ आधार कार्ड को सजाकर सूर्य भगवान की उपासना की गई। महिलाओं के अनुसार ऐसा करने से मोदी सरकार उनके खातों में आधार कार्ड के माध्यम से पैसे भेज दे और सूर्य उपासना से वायरस गंगा नदी में प्रवाह हो सके, इसी को लेकर पूजा की गई। साहेबगंज से बाहर जाने के लिए लेना होगा पास। साहेबगंज उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि साहेबगंज से बाहर जाने वाले लोगों को पूर्व की भांति ही पास लेना होगा। हालांकि मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं लेनी होगी,
डीसी ने सभी चेकनाका पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सरकार जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है उनके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पर उन्हें केवल संबंधित अंचल पदाधिकारी को दुकान खोलने से पूर्व सूचित कर देना होगा। धनबाद के गोमो तोपचांची प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। झारखंड के धनबाद जिले के गोमो तोपचांची प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कल्याण पदाधिकारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके परिजनों का कहना है कि पहले से हृदय रोग से पीड़ित थे और उनका इलाज भी चल रहा था। परीक्षकों को परेशान न करे डीईओ। झारखंड इंटर कॉलेज शिक्षक संघ के महासचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अंतर जिला परीक्षकों को परेशान न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिला में रहने के साथ साथ आने जाने की समस्या है, सभी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, ऐसे में एक जिला से दूसरे जिला जाना कठिन कार्य होगा। झारखंड के टाटा नगर स्टेशन पर नहीं रुकेगी 5 ट्रेनें। रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, पर कुछ दिक्कतें आने के कारण कुछ स्टेशन पर रोकना संभव नहीं है। इसी तरह प्रतिदिन चलने वाली CSMT हावड़ा CSMT एक्सप्रेस अब टाटा नगर व खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे लाभुकों का नाम फिर से जुड़वाने को लेकर मुखिया संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रधान सचिव, पंचायती राज सचिव व उप विकास उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित लाभुकों का नाम डेटा 2011 में जोड़ा जाए। महिला जनधन खातों में आज से तीसरी किस्त। केंद्र सरकार जनधन की तीसरी किस्त व अंतिम किस्त आज से खातों में ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला खाताधारकों को 4 जून से अलग अलग दिन 500 रुपये खाते में भेजे जाएंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले 2 माह का किस्त 1000 रुपये भेजी जा चुकी है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।